हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। खाने में कुछ मीठा ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। और आम के सीजन में आम की तरह तरह की डिशेस बनती हैं, तो आज हम आपको बनाना ही बताएंगे मैंगो फिरनी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और ठंडी ठंडी गर्मियों में सभी को पसंद आती है। वैसे तो आम यूँ ही खा लिया जाता है और सभी को, बड़े या बच्चों को, बहुत ही पसंद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आम की फिरनी बनाना। इसके लिए मैंने दो आम लिए हैं, दशहरी आम। इसके हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और इसे मिक्सी के जार में डाल के मैंगो प्यूरी बना लेंगे। अब हम उबले हुए चावल एक कटोरी, जिसे हमने दूध के साथ एक फाइन पेस्ट बनाना है। पेस्ट हमारा थोड़ा दरदरा ही रहेगा, बिल्कुल फाइन ना करें। हमने 1 लीटर दूध उबालने के लिए रख दिया है। इसे चलाते हुए हम अच्छे से उबालेंगे और इसको थोड़ा गाढ़ा होने देंगे। गाढ़ा होने के बाद इसमें चावल का पेस्ट ऐड कर देंगे और लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने हिसाब से, अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। और चलाते हुए थोड़ा और गाढ़ा होने तक पकाएंगे। लास्ट में हम इसमें मैंगो के प्यूरी डाल देंगे। मैंगो प्यूरी पहले ना डालें, नहीं तो दूध फट जाएगा और फिरनी खराब हो जाएगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक पकाने के बाद गैस को बंद कर देंगे। फिरनी को ठंडा करके सर्व करेंगे। इसमें हम कुछ पीसेस मैंगो के और पुदीने की पत्तियों से गार्निश करेंगे।
और तैयार है मैंगो फिरनी, जो कि ठंडी ठंडी गर्मियों में बहुत ही अच्छी लगती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।